नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 1 दिसंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े हैं चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले कल एक सवाल आपसे किया था कि चकली किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था, ये आपको बताना था। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए चंबा, जो ये बिल्कुल सही आपका इसमें आंसर रहेगा। आज का सवाल है आपके लिए, हिमाचल प्रदेश में नेहरू कुंड कहाँ पर है, ये आपको बताना है। हिमाचल प्रदेश में नेहरू कुंड कहाँ पर है, शिमला, तत्तापानी, मनालिया, रेणुका, ये नेहरू कुंड कहाँ पर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसका जवाब हम आपको कल के न्यूज बुलेटिन में बताएंगे। पेश है आज की सबसे बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक, आज होंगे कई अहम फैसले, विधेयकों के ड्राफ्ट पर भी चर्चा संभव। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को 12 बजे के बाद होगी, इसमें कई अहम फैसले होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने जा रही इस बैठक में स्वास्थ्य, उद्योग, श्रम, रोजगार, पर्यटन, परिवहन आदि से जुड़े एजेंडे आएंगे। इसमें मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को लागू करने से संबंधित मंजूरियां भी हो सकती है। इस बैठक में आगामी शीत सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों के ड्राफ्ट पर भी चर्चा संभव है। आपदा राहत से जुड़े कार्यों की प्रगति पर भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रणा हो सकती है। बीएड की स्पोर्ट काउंसलिंग पूरी, अब 17 सीटें रहेगी खाली। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपी द्वारा निजी बीएड कॉलेजों में खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए आयोजित ऑफलाइन स्पोर्ट काउंसलिंग पूरी होने के बाद अब 17 सीटें खाली रह गई है। वीरवार को विश्वविद्यालय में आयोजित हुई स्पोर्ट काउंसलिंग के दूसरे दिन करीब 35 सीटों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया अमल में लाई गई, जिसमें 60 उम्मीदवारों ने भाग लिया, लेकिन पसंदीदा कॉलेज न मिलने पर कुछ उम्मीदवारों ने प्रवेश नहीं लिया। ऐसे में दो दिनों तक चली इस काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान 506 सीटों में से अब 17 सीटें खाली है। इन सीटों को लेकर अब विश्वविद्यालय प्रशासन बैठक कर आगामी निर्णय लेगा। हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर पद के लिए 16 व 17 दिसंबर को होगी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्टेनोग्राफर ग्रेड के पद के लिए स्टेनोग्राफी और टाइपिंग टेस्ट, हिंदी और अंग्रेजी की परीक्षाओं की तिथि निर्धारित कर दी है। स्टेनोग्राफर ग्रेड जिला न्यायवादी के पद के लिए स्टेनोग्राफी और टाइपिंग टेस्ट 16 और 17 दिसंबर को दो बैचों में परीक्षा केंद्र डिजिटल विजन ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड पंथाघाटी में होगा। हिमाचल हाईकोर्ट की रोक के बाद बीआरसीसी की भर्ती परीक्षा रद्द। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की रोक के बाद शिक्षा विभाग ने बीआरसीसी के 282 पदों को भरने के लिए 3 दिसंबर को होने वाली भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। 750 शिक्षकों ने इन पदों के लिए आवेदन किया था। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय की ओर से बीते दिनों परीक्षा का शेड्यूल जारी किया गया था। बुधवार को हाईकोर्ट ने भर्ती से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। इसके बाद गुरुवार को शिक्षा विभाग ने भर्ती परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। आईजीएमसी में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत, मरीजों को एहतियात बरतने के निर्देश। आईजीएमसी शिमला में गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हो गई है। महिला के शव को परिजनों के सपोर्ट कर दिया गया है। उधर अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों को एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए हैं। इसकी पुष्टि उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण भाटिया ने की है। आईजीएमसी में 42 दिन बाद कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हुई है। महिला मरीज 60 साल की थी। महिला को 22 नवंबर को अस्पताल में दाखिल किया गया था। कोरोना के लक्षणों को देखने के बाद उसे मेकशिफ्ट अस्पताल में रखा गया था। महिला कई अन्य बीमारियों से भी ग्रस्त थी। एचआरडीसी में कंडक्टर के 360 पदों के लिए 10 दिसंबर को स्क्रीनिंग टेस्ट, उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परिवहन विभाग के अंतर्गत एचआरडीसी में कंडक्टर के 360 पदों को भरने के लिए आगामी 10 दिसंबर को आयोजित होने वाले लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए है। सभी पात्र उम्मीदवार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपने ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इससे संबंधित जानकारी आयोग ने संबंधित उम्मीदवारों को SMS व ईमेल के जरिए भेज दी है। इसके अलावा उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र भी आवंटित कर दिए गए हैं। आयोग की ओर से जारी सूचना में साफ किया गया कि परीक्षा केंद्र एक बार आवंटित होने पर उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। जानकारी के अनुसार कंडक्टर के पदों के लिए 44,000 से अधिक आवेदन आयोग के पास आए हैं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव देवेंद्र कुमार रत ने बताया कि उम्मीदवारों की ई एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज, मूल्यांकन परीक्षाओं के बाद 31 दिसंबर और 31 मार्च तक खुले रहेंगे सभी सरकारी स्कूल।
हिमाचल प्रदेश में अब मूल्यांकन परीक्षाओं के बाद 31 दिसंबर और 31 मार्च तक स्कूल खोले रहेंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 8.5 लाख विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का निरंतर मोल बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। शीतकालीन स्कूलों में 31 दिसंबर और ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 31 मार्च तक पाठ्यचर्या और सह पाठ्यक्रम गतिविधियां होगी। नए शैक्षणिक सत्र के पहले दिन से पठन पाठन प्रक्रिया भी शुरू होगी। हिंदी, गणित और अंग्रेजी सुधार पर पहले 15 दिन शिक्षक विशेष कार्य करेंगे। हर दिन के प्रारंभिक 2 घंटों में केवल हिंदी, अंग्रेजी, गणित की बुनियादी क्षमताओं को और सुदृढ़ किया जाएगा। नए शैक्षणिक सत्र से हर माह शिक्षक अभिभावकों की बैठक अनिवार्य तौर पर होगी। इसमें अभिभावकों को उनके बच्चों की उपलब्धि और कमियों से अवगत करवाया जाएगा। पूर्व में बैठकों का आयोजन साल में 1 या 2 बार होता था। सरकार ने पुरानी व्यवस्था को बदलते हुए अभिभावकों की सहभागिता को बढ़ाने का फैसला लिया है। हिमाचल में भाजपा की विकसित संकल्प यात्रा का आगाज, जनता तक पहुंचेगी केंद्र की नीतियां। हिमाचल में भाजपा की विकसित संकल्प यात्रा का आगाज हो गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश भर में प्रारंभ हुई है। इसमें भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया और उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि मोदी सरकार के 9.5 वर्ष गरीब कल्याण के वर्ष रहे हैं। इस दौरान 11 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए, 3 करोड़ 50 लाख गरीबों को पक्के घर दिए गए, लगभग 22 करोड़ घरों को नल से स्वच्छ जल हेतु जल जीवन मिशन योजना चलाई गई। मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में 9 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपए प्रति वर्ष डाले जा रहे हैं, ताकि किसान बीज खाद के लिए आत्मनिर्भर हो सके। 47 करोड़ गरीबों के जन धन के खाते खुलवाए गए हैं। जिन खातों में सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सहयोग राशियां DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बिना भ्रष्टाचार के इन तक पहुंचाई गई है। 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़कर 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त दिया गया है। 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज 3 साल से निःशुल्क दिया जा रहा है और अगले 5 साल और दिया जाएगा। इस प्रकार की अनेक योजनाएं चलाकर गरीबी उन्मूलन की दिशा में बड़ा काम शुरू हुआ है। सीएम सुक्खू बोले, कांग्रेस हाईकमान से हरी झंडी मिलते ही होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस हाईकमान से हरी झंडी मिलते प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार लंबित है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा है कि ये किसी भी समय हो सकता है। उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि पूर्व जयराम सरकार 85,000 करोड़ रुपए का कर्ज हम पर छोड़कर चली गई है। हमारी सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 4100 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। चालू वित्त वर्ष में उनके कर्ज की सीमा 6,600 करोड़ है, लेकिन सरकार ने अभी तक 4,100 करोड़ रुपए का ही कर्ज लिया है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने OPS बहाली करने पर हिमाचल की कर्ज की लिमिट से 1780 करोड़ रुपए भी काट दिए है। यही नहीं, केंद्र सरकार NPS के खाते में जमा 9,000 करोड़ रुपए देने से भी अब इनकार कर रही है। इसके बावजूद उनकी सरकार इन चुनौतियों का डटकर सामना करेगी। प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर राजस्व जुटाना शुरू कर दिया है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 1100 करोड़ रुपए की राजस्व का सृजन किया है, ऐसा पहली बार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने अभी तक 3 गारंटियां पूरी कर दी है, आने वाले समय में सभी गारंटियों को पूरी करेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले 3 महीनों में सरकार कुछ नई योजनाएं भी शुरू करने वाली है। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी शुरू होगी। यही नहीं, जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं है वहाँ पर गेस्ट लेक्चरर की व्यवस्था की जाएगी। नगर निगम में मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने यह अधिकार नहीं दिया है। पूर्व भाजपा सरकार ने नगर निगम एक्ट में संशोधन कर विधायक को वोट का अधिकार दिया था, अब विरोध कर रही है। खबर राजपुर शिमला से, 27 विभागों में PhD की सीटें भरने के लिए अगले सप्ताह से शुरू होगी काउंसलिंग प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU में विभिन्न शैक्षणिक विभागों में PhD की सीटों को भरने के लिए अगले सप्ताह से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। HPU के 27 विभागों में PhD की 163 सीटों को डायरेक्ट एडमिशन से भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब अलग अलग विभागों ने अपने अपने स्तर पर काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करना शुरू कर दिया है। सरकार के नए निर्देशों के अनुसार राजधानी में फिलहाल भवनों के ATEC के नक्शे पास नहीं होंगे। नगर निगम ने इस मामले पर TCP विभाग से स्पष्टीकरण जारी करने के लिए पत्र लिखा है।
इसमें विभाग से एयरटेक निर्माण से जुड़े 12 बिंदुओं पर स्पष्ट निर्देश जारी करने की मांग की गई है। विभाग से स्पष्ट निर्देश मिलने के बाद एयरटेक निर्माण को लेकर आए नक्शे के आवेदनों पर फैसला ले पाएगा। सरकार ने हाल ही में भवनों के एयरटेक को रियायत के तौर पर इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। वेदर अपडेट। रोहतांग टनल, नारकंडा समेत कुल्लू लाहौल की चोटियों पर बर्फबारी, ऊपरी में गिरे फाये। येलो अलर्ट के बीच वीरवार को अटल टनल रोहतांग और नारकंडा समेत कुल्लू लाहौल की चोटियों पर बर्फबारी हुई है, जबकि शिमला के कुफरी में फाये गिरे हैं। सोलन, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिले के कई क्षेत्रों में झमझम बादल बरसे। वहीं राजधानी शिमला में दोपहर के बाद बूंदाबांदी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शुक्रवार को भी मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान जताया है। शनिवार से धूप खिलने के आसार है। वीरवार को बारिश और बर्फबारी होने से तापमान में 5 डिग्री तक की कमी दर्ज हुई है। इससे प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में ठंडक बढ़ गई है। शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्र नारकंडा में वीरवार को सर्दियों के सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। उधर आटाटन और रोहतांग में चोटियों पर बुधवार देर रात के बाद शुरू हुआ बर्फबारी का दौर वीरवार को भी जारी रहा। बर्फ के फाव के बीच सैलानी कोकसर पहुंचे और जमकर मस्ती की। कुल्लू जिले के निचले इलाकों में बारिश हुई है। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों को संवेदनशील इलाकों की ओर न जाने की हिदायत दी है। चंबा सलोनी मार्ग पर कार से 17.54 ग्राम चिट्टा बरामद, पंजाब के 3 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने चंबा सलोनी मार्ग पर कोटी पुल के पास एक कार से 17.54 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। कार में सवार 3 लोगों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर में मकान से 28.72 ग्राम चिट्टा बरामद, होशियारपुर के 3 युवकों सहित 5 गिरफ्तार। हमीरपुर जिले में वीरवार को सदर पुलिस की टीम ने मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के नजदीक चिट्टे की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में पंजाब समेत हमीरपुर के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर घर में दी दबिश, 109.12 ग्राम चरस के साथ 1 गिरफ्तार। शिमला जिले के उपमंडल रोहड़ू के तहत उप तहसील टिकर के अंतर्गत कसैनी गांव में पुलिस ने एक व्यक्ति के कब्जे से 109.12 ग्राम चरस बरामद किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार टिकर पुलिस चौकी को गुप्त सूचना मिली थी कि कसैनी गांव निवासी दिनेश टेकता अपने घर में चरस बेच रहा है। सूचना मिलती है पुलिस की एक टीम ने टिक्कर पुलिस चौकी प्रभारी ASI धर्मेंद्र के नेतृत्व में दिनेश टेकता के घर पर दबिश देकर तलाशी ली। इस दौरान आरोपी के कब्जे से 109.12 ग्राम चरस बरामद हुई है। भाभी के हत्यारे को अदालत ने सुनाई उम्र कैद व जुर्माने की सजा। द्रार से भाभी की हत्या करने के आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय सरकाघाट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद, कठोर कारावास व 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 महीने अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।